शौचालय बंद होने से जनता परेशान, पंचायत सचिव दे रहे आश्वासन। ठीकरी के गांधी चौक मार्केट में ग्राम पंचायत के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 3,43,700 की लागत से शौचालय का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन उसे ताला लगाकर बंद कर रखा है, जिसे दुकानदारों और वहां की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले लगभग 2 महीनों से शौचालय पर ताला लगा हुआ है। वही ग्राम पंचायत सचिव ने 80% शौचालय का काम हो चुका है, कुछ राशि बाकी है, एक सप्ताह में कार्य पूर्ण हो जाएगा कहकर पल्ला झाड़ लिया। RPTV के लिए ठीकरी से सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। मेरा सुनील सेन है, मैं गांधी चौक से हूँ। क्या समस्या है आपको? हमारी ये समस्या है कि यहाँ पर पहले शौचालय जो था, बाथरूम वगैरह, तो ये पूरा जितना भी मार्केट है, बाहर गांव की लेडीज वगैरह, यहाँ पर 3-4 क्लिनिक भी है। जो लेडीज आती है उनको बहुत ज्यादा करके परेशानी है। उनको इतनी समस्या आती है कि वो कहाँ पर जाए, जेंट्स तो जाए जहाँ चले जाएगा, पर उनको एक तरीके होकर उनको ज्यादा समस्या है। और ये शौचालय पहले अच्छी बनी हुई थी, उसको तोड़ के नया निर्माण किया गया है। अभी क्यों बन रही है? वो इसलिए बन हो गई है कि सिर्फ बाहर का ढांचा बना हुआ है, अंदर कोई काम नहीं हुआ, इसलिए बंद कर। हाँ, और ये अमाउंट जो है, इनकी जो राशि है, ये निकाल ली है इन्होंने, सरपंच ने पूरी राशि निकाल दी। हाँ, चलिए ठीक है। सुनील जायसवाल, ग्राम पंचायत ठीकरी, सचिव पद पे पदस्थ है आप। सर, अभी एक शौचालय गांधी चौक में बनाई गई है, तो लोगों का आरोप है कि पैसे निकाल लिए गए हैं और अधूरा निर्माण है। ऊपर का ढांचा, फर्स्ट ढांचा निर्माण किया है, बाकी निर्माण नहीं हुआ है अंदर। लगभग 80% काम हो गया, 20% शेष है, और उसमें दूसरी किस्त भी शेष है, 1,00,000। समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि मार्केट है और समस्या बड़ी है, फिर भी आप उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या काम, क्या मामला है ऐसा? क्यों किस्त बाकी है? अभी किस्त बाकी है, इसलिए काम रुका। ताला लगा हुआ है, लोगों को समस्याएं बढ़ रही है। जब स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कई निर्माण कार्य हो रहे हैं, जैसे कई शौचालयों का निर्माण हो रहा है, वही एक सामुदायिक शौचालय के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। एक हफ्ते में कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है।